नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बुक चैनल में। और मैं ये होप करता हूँ कि आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छे एक तरीके से चल रही होगी। ठीक है, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि यूपीएससी 2016 में जो हिंदी में जो क्वेश्चन आए थे वो कहाँ से आए थे, कौन सा टॉपिक ऐसे था जहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, देखिए मैंने जो है आपका जीएस के लिए, आपका रीजनिंग मैथ सब के लिए मैंने जो है वीडियो बना रखी है। आप जाके जो है यूपीएसआई प्रिपरेशन के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, और चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट वाली वीडियो में आप चले जाइए, प्लेलिस्ट जो है उसमें चले जाइए। सारी आपकी जो है जितनी भी ये वीडियो हैं वो सारी की सारी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और भी बहुत सारी वीडियो हैं जो कि आप देख सकते हैं, और जो भी नॉलेज या फिर जो भी आपकी क्वेरी है वो वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने लगभग हर एक क्वेश्चन से मैंने एक क्वेश्चन एक आपकी वीडियो बना दी है। चलिए चलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि इसमें मैंने कौन से टॉपिक्स को लिया है। देखिए इसमें मैंने वो टॉपिक्स को लिया है जो या तो याद करने वाले होते हैं या फिर कुछ कुछ टॉपिक इसमें समझने वाले हैं। हिंदी में एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हिंदी का सिलेबस में छोटे छोटे टॉपिक इतने सारे हैं कि वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि इस अब जैसे विशेषण है, ठीक है, विशेषण से एक सेट में एक क्वेश्चन आ गया, फिर तीन चार सेटों में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक, फिर जाके पाँचवें छठे सेट में क्वेश्चन आ गया। तो मैंने उस टॉपिक को, मैं होल टॉपिक को आपको बता दूंगा कि उस टॉपिक से आपको क्या करना है। ठीक, जिन टॉपिकों से हर सेट में क्वेश्चन आया है वो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, और बाकी मैं आगे की भी स्ट्रेटेजी बता दूंगा, इसमें मैं आपको बुक भी बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे बुक के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। ठीक, कोई उनका कोई बुक बता रहा है, दूसरा कोई बुक बता रहा है। ठीक, मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं गद्यांश। गद्यांश मतलब होता है अनसीन पैसेज, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं। ठीक है, या फिर कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैसेज बोल देते हैं खाली। इसमें क्या होता है, एक आपका पैसेज आता है, ठीक है, लगभग एक पैराग्राफ टाइप का होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक, सबसे सिंपल चीज़ें होती हैं, सबसे सिंपल होता है गद्यांश को सॉल्व करना। ठीक, एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका गद्यांश सॉल्व हो जाता है। गद्यांश से आपके हर सेट में तीन से चार क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, मिनिमम तीन क्वेश्चन तो बने ही बने हैं, मतलब मुफ्त के तीन क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है शब्दों का अर्थ। ठीक, शब्दों का अर्थ, जैसे क्वेश्चन ये ऐसा आ रहा था कि निम्न में से कौन सा शब्दों का ये अर्थ होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे थे, वो आपके आपके जितने वो लगभग आपके हर सेट में दो क्वेश्चन बने हैं इनसे, शब्दों के अर्थ से। ठीक है, तो इसको भी आपको जो है, जैसे क्वेश्चन आया है पुष्कर का अर्थ बताइए, ठीक है, पुष्कर का अर्थ बताइए, ऐसे जटिल का अर्थ बताइए, इस तरीके से जो क्वेश्चन थे वो इसमें आ रहे थे। सही वाक्य, सही वाक्य में क्या होता है कि जैसे आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। ठीक, उसके बाद चार आपके वाक्य दे दिए जाएंगे और उसके बाद आपको जो है उसमें से बताना पड़ेगा कि कौन सा वाक्य सही है। विलोम से आपके दो क्वेश्चन आ रहे थे, किसी किसी सेट में तीन भी जा रहे हैं, किसी किसी सेट में चार भी जा रहे हैं, लेकिन दो क्वेश्चन मुझे मिनिमम मिले ही मिले विलोम से। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इससे क्वेश्चन हर बार आपका जो है हर सेट में आ रहा है स्त्रीलिंग पुल्लिंग से, कि इसका स्त्रीलिंग क्या है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन। रिक्त स्थान, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है रिक्त स्थान। इन्होंने थोड़ी सी इसमें मतलब एक तरीके से मतलब कुछ नया करने की कोशिश करी है। जैसे रिक्त स्थान में ये ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु फिर डैश कर दिया, फिर उसके बाद के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग फिर डैश कर दिया किया था। अब रिक्त स्थानों में आपको जो है ये चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और ये आपको जो है भरना पड़ेगा। ठीक, रचनाएं, छह क्वेश्चन आ रहे हैं भाई रचनाओं से, मिनिमम पांच क्वेश्चन तो हैं ही और मैक्सिमम सात क्वेश्चन तक जा रहे हैं। ठीक, तो रचनाएं आपको जो है थोड़ी अच्छे से करनी पड़ेंगी। अब मैंने एक चीज़ देखी है, हमेशा जब भी मैं किसी चीज़ के बारे में बताता हूँ ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, तो बच्चे सब कुछ छोड़ के बस उसी पर जुड़ जाते हैं। भाई क्या पता आपके सेट में मात्र एक क्वेश्चन आ जाए या दो क्वेश्चन ही आए, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए अपने जो रूटीन में आप चल रहे हैं उसमें जब रूटीन में वो टॉपिक आए उस पर फिर ज़्यादा फोकस करो। और रचनाएं इतनी सारी हैं, इतनी सारी हैं, साल भर याद करोगे तब भी नहीं कर पाओगे, इसलिए सेलेक्टेड रचनाएं करनी है। ठीक है ना, पहले मैं कुछ एक वीडियो पूरी के पूरी रचनाओं की डेडिकेटेड निकालूंगा, आप उसको कर लेना, फिर मैं एक पूरा आपको नोट्स दूंगा उसको भी कर लेना, फिर अगर आपको मन करता है कि हाँ इससे मेरा पेट नहीं भर रहा, तब आप जो है अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, वाक्य शुद्धि, तो वाक्य शुद्धि से जो है वो ये भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं इससे कि शुद्ध वाक्य आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि सही वाक्य और वाक्य शुद्धि इन दोनों में अंतर है,
ठीक, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। जब आप क्वेश्चन मैं कराऊंगा जब, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे दो क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर है तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव से दो क्वेश्चन आ रहे हैं और सीधा सीधा पूछ ले रहा है वो, जैसे दही का आपका जो है तत्सम क्या होता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि दही या फिर करपट जो है वो कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। अलंकार से तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने तीन मिनिमम दो क्वेश्चन तो देखे ही देखे हैं मैंने हर सेट में अलंकार से। अलंकार ज़्यादा आ रहा है, रस और छंद कम आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मुहावरे, मुहावरे से आपके दो क्वेश्चन बनने हैं। समानार्थी शब्द से एक क्वेश्चन बन रहा है, किसी किसी में दो भी बन जा रहे हैं। संधि से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। उपसर्ग प्रत्यय से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पर्यायवाची से एक क्वेश्चन बन रहा है, किसी किसी में दो भी जा रहे हैं। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए दो 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 क्वेश्चन बनने हैं। और रस से एक शब्द बनना है, छंद से भी रस आ रहा है तो छंद नहीं आ रहा, छंद आ रहा है तो रस नहीं आ रहा। ठीक है, इस टाइप से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। आप जैसे बहुत सारे बच्चे इसमें बोलेंगे कि इसमें सर बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत सारे टॉपिक तो छूट ही गए, जैसे इतिहास छूट गया। तो देखिए इतिहास से क्या है ना, मैंने आपसे क्या बताया कि स्ट्रेटेजी ये है कि आपको पूरी सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, फोकस कहाँ करना है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है। जैसे ल्यूसेंट में एक एक चैप्टर है संज्ञा से अव्यय तक, ठीक, संज्ञा से अव्यय तक, उससे 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन वो एक चैप्टर नहीं है। उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण, काल, ठीक है, सब कुछ दे रखा उसमें, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा ना। टोटल टोटल जो है वो आपको याद करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। उसमें कई सारे टॉपिक, अब मैं ढूंढने लग जाता तो हो सकता है कि संज्ञा से एक क्वेश्चन है तो सर्वनाम से है ही नहीं क्वेश्चन, किसी सेट में एक आध मिल रहा है तो मिल रहा, इसलिए मैंने उस टॉपिक को पूरा डाला नहीं। ठीक है, जो मेन मेन टॉपिक थे जिसमें आपको फोकस करना है, जिससे कि लगभग आपके 25 से 30 क्वेश्चन तक आपके आराम से हो जाएंगे, वो मैंने आपको इसमें बता दिए। ठीक, अब बात करते हैं बुक्स के बारे में, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़। ठीक, मैंने जब भी कुछ किसी को सजेस्ट करी बुक, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, बच्चों को आता है कि अरे ठीक है ये बुक पढ़ के तो हो गया काम। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं। देखिए तीन बुक मैं सजेस्ट करता हूँ, इन तीनों बुकों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ठीक है, आप जाके ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी जाके आप शॉप से खरीद सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन ये है कि थोड़ी सी छूट मिल जाती है और घर बैठे अपना सामान आ जाता है। सबसे पहली और सबसे जो मेजर किताब है वो है, मैं बताता हूँ, लूसेंट की सामान्य हिंदी। इस बुक को चाहे आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, इस बुक को एक बार जरूर रीड करिए आप। ठीक, बहुत ही अच्छी किताब बनाई है, बस इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें जो है प्रैक्टिस के लिए कम चीज़ें हैं। प्रैक्टिस इसमें इसमें उतना ही दे रखा है जितना पहले कुछ क्वेश्चनों में आ रखा है, पहले छोटे मोटे एग्जामों में आ रखा है, बस उतना ही दे रखा है। लेकिन इसमें जो है वो आपका जो जो मतलब बेसिक कंसेप्ट होता है ना, बहुत ही गजब दे रखा है इसमें। ठीक, आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए। ठीक है, जब इस किताब से पेट भर जाता है, ठीक है, जब इस किताब के, अगर आप ये किताब नहीं लेना चाहते हैं तो आप ये वाली किताब ले सकते हैं, सामान्य हिंदी। ठीक है, पीएन पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे की बुक्स आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लूसेंट नहीं लेना चाहते, अगर आप लूसेंट आपको पढ़नी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, तो आप जो है सामान्य हिंदी पीएन पांडे की ले सकते हैं, नालंदा पब्लिकेशन जो है ये ले सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप ये दोनों बुकों में से कोई एक ले लें और उसके बाद भी आपका पेट ना भरे, ठीक है, या फिर आपको प्रैक्टिस के लिए चीज़ें नहीं मिल रही हैं, या फिर आपको जैसे तत्सम तद्भव जो है आपको मन नहीं कर रहा है कि यार जो लूसेंट में तत्सम तद्भव दे रखे हैं उतने काफ़ी नहीं है, तब आप जो है इस बुक पे जा सकते हैं। देखिए आदित्य पब्लिकेशन की प्रॉब्लम क्या है, आदित्य पब्लिकेशन में बहुत ज़्यादा दे रखा है, क्योंकि ये मेनली पीसीएस एग्जामों के लिए बनाई जाती है, या फिर टीजीटी पीजीटी जिसमें हिंदी फोकस्ड करके आती है उसके लिए बनाई जाती है। इसमें हर तरीके के एग्जामों के प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, लेकिन इस बुक को अगर आप खाली सिर्फ इस बुक को लेके बैठ गए, एक तो इसमें कंसेप्चुअल चीज़ें बहुत कम दे रखी हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में दे रखी हैं, गलतियां ज़्यादा हैं इस किताब में। ठीक है, अगर आप इस सिर्फ उस बुक को लेके बैठ जाते हो तो सिलेक्शन लेना और मतलब स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिलेक्शन तो ले लोगे, स्कोर हिंदी में अच्छा नहीं आ पाएगा आपका। जैसे आपने अगर इस बुक को लूसेंट या पीएन पांडे के पढ़ने के बाद अगर ये ली, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको अगर इसमें गलतियाँ भी होंगी तब भी आपको समझ में आएंगी ये गलती है इसमें। इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी तत्सम तद्भव है, तो कम से कम 800-900 तत्सम तद्भव भी दे रखे हैं इसमें, ये चीज़ें हैं। लेकिन उसके लिए वही एक नुकसानदायक चीज़ है यार, तत्सम तद्भव 800-900 आप रिटेन करके बैठ जाओगे क्या, एग्जाम तक आपको याद रहेंगे 800-900? नहीं याद रहेंगे ना, ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है। या फिर तो इसमें आप ये काम कर सकते हो कि इसमें जो मतलब क्वेश्चन फॉर्म में जो दे रखे हैं आप सिर्फ उनको उनको देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में जो जो चीज़ होंगी उनको आप एज अ प्रैक्टिस के रूप में लीजिए,
जो आंसर है उस पर आप अपनी फिंगर रख लीजिए, और मतलब जितने भी चार ऑप्शन हैं, और क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, फिर आप देखिए कि हाँ इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम ये हो सकता है, फिर देख लीजिए हाँ आंसर सही है गलत है। अगर आपके ज़्यादा गलत जा रहे हैं तो इसका मतलब जो है आपने ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है। तो ये जो है तीन किताबें मैं ये रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा मैं नहीं, मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई और किताब पर जाना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा मत भागिए, एक किताब ले लीजिए कोई भी, या फिर इनमें से कोई भी दो किताब ले लीजिए, ठीक है? और आप अपना ये आदित्य पब्लिकेशन किताब ज़्यादा महंगी, मतलब इन तीनों में से कोई भी बुक ज़्यादा महंगी नहीं आती है, ठीक है? इन तीनों बुक्स की जो लिंक है, लिंक परचेजिंग लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके एक बार देख लीजिए। अगर आपको ठीक लगे तो आप ऑर्डर कर दीजिए, 2 से 3 दिन में आपकी बुक आ जाएगी, ठीक है? थैंक यू दोस्तों।